ग्राम जामदोली प्रखंड दुमका जिला दुमका का समस्या है। मध्य विद्यालय जामदोली जो कि यहाँ पर शिक्षक नहीं रहने के कारण बच्चे लोग के ठीक ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। मैं सहायक अध्यापक हूँ। मैं 2024 में रिटायर हो जाऊंगा और मिडिल स्कूल अभी 10-12 साल हो गया लेकिन अब तक टीचर का बहाली नहीं हो सका है। अभी मात्र 2 शिक्षक से पढ़ाई चल रही है जो कि बहुत ही दिक्कत है। यह फॉरवर्ड बेस स्कूल है, यहाँ पर 60-70% तक बच्चा का उपस्थिति होता है लेकिन शिक्षक के अभाव से बच्चों का पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। हरदम बच्चों को संभालना पड़ता है। अगर टीचर रहता तो लिखाई पढ़ाई यहाँ और अच्छा होता। और यहाँ की जो भी प्रशासन है उसको कहते हैं तो उनका कहना है कि टीचर का कमी है, अगर टीचर अवेलेबल हो जाएगा तो आपके विद्यालय में टीचर भेजेंगे। आज शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री श्याम किशोर सिंह गांधी से बात किए जिसमें उन्होंने कहा कि आचार संहिता लग गई है, आचार संहिता के बाद हम यहाँ 1-2 टीचर की व्यवस्था करेंगे। तो मेरा सरकार से प्रार्थना होगा कि कम से कम यहाँ 2-3 टीचर का व्यवस्था तुरंत किया जाए ताकि बच्चे का पढ़ाई लिखा और ही अच्छा हो। तुम लोग के स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ाई होता है? हाँ। कितना बार क्लास होता है? 2 बार क्यों क्लास होता है? क्योंकि कम टीचर है। तो कम टीचर के कारण तुम लोग के 2 बार क्लास होता है? हाँ। तुम लोग के यहाँ पर टीचर कितना है? 2। कितना बार क्लास होता है? 3 बार। इस समस्या को लेके जिला शिक्षा विभाग दुमका में हम आए और शिक्षक से मिलने से उन्होंने बातचीत किए और उनको से इंटरव्यू देने के लिए बोले। उन्होंने बताया कि कोई इंटरव्यू अभी नहीं लेंगे और अभी वीडियो यार भी यहां पर कोई लेने के लिए नहीं देंगे। अभी आचार संहिता लगा हुआ है, इसके कारण कोई काम भी अभी नहीं होगा। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से निवेदन करती हूं कि इस वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें जो कि इस समस्या अधिकारी तक पहुंच सके, विद्यालय में टीचर के जो कमी है वो पूरा हो सका। मैं संचिता पाठक, जिला दुमका, झारखंड, इंडिया, अनहट के लिए।